आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और इनइक्वलिटी से संबंधित कुछ दो क्वेश्चन है जिन्हें मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ, तो इन्हें करते हैं। उसके बाद में मैं इस चैप्टर को यहीं समाप्त करूँगा और कोई नया रीजनिंग का ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें ये हमें दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रतीक चिन्हों हैश प्रतिशत, ये डॉलर का सिंबल है, और इसमें दे रखे हैं ऐट द रेट, ठीक है, और ऐट द रेट का प्रयोग निम्न अर्थ में किया गया है, ठीक है। तो निम्न अर्थ में किया गया है, तो पहले की तरह इसका हम एक फिगर बनाएंगे, कौन कौन क्या इसमें कहना चाह रहा है। उसके बाद में इनके जो 4 से 5 क्वेश्चन है उनको उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इसमें पहला है, ये कहना चाह रहा है पी कॉपीराइट सिंबल है, पी कॉपीराइट क्यू, इसका जो अर्थ है वो क्या है, पी ना तो क्यू से छोटा है ना ही बड़ा। ये कहना चाह रहा है पी जो है ना तो क्यू से छोटा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन मैंने कर रहा है कि ना तो क्यू छोटा है और ना ही बड़ा। ये कह रहा है पी तो ना क्यू पी जो है वो ना तो क्यू से छोटा है और ना ही क्या है बड़ा, दोनों में से कंडीशन कोई भी नहीं, तो क्या होगा, पी क्यू के बराबर, ठीक। जब ना छोटा है ना बड़ा है तो बचा क्या हमारे पास, बराबर वाला। ऐसे ही है, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही समान। देखिए, पी जो है वो ना तो क्यू से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन मना कर रहा है हमसे, ठीक है, ये वाली, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही समान, तो समान वाली, तो क्या होगा फिर, पी क्यू से छोटा, पी हैश क्यू, तो पी क्यू से क्या होगा, छोटा। अगला है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही समान। अब क्या रहा है तीसरे वाले में, पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही समान, तो फिर बचा क्या हमारे पास, पी क्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। इससे अगला है पी एट द रेट करते हैं पी या तो क्यू से बड़ा है या समान, तो इसे लिख सकते हैं पी या तो क्यू से बड़ा है या समान, तो लिखे पी या तो क्यू से बड़ा है या फिर क्या है, समान, ठीक है। जो बड़ा होगा, ये जो मुंह है छोटा वाला उसकी तरफ ही ओपन होगा। पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी या तो क्यू से छोटा है या समान, तो कर दीजिए पी या तो क्यू से छोटा है या फिर क्या है, समान। तो अब नीचे देखिए प्रश्नों को हमें इनका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए, इसमें पहला है एम डॉलर एम डॉलर के, तो इसका देखते हैं, देखिए पहले में डॉलर है, दूसरे में एट द रेट, तो डॉलर का अर्थ है इसमें ग्रेटर देन, और एट द रेट का है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एम ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ, और प्रतिशत का अर्थ है यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है, एन। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है एफ हैश का मतलब क्या है, लेस देन एम, और इसमें देखिए एन ये कॉपीराइट वाला सिंबल है यहाँ पर, ठीक है, एन कॉपीराइट है, इसका कॉपीराइट कार्ड देखते हैं तो इसका क्या है, बराबर है, एन बराबर है के। ये दो कंडीशन हमें देखनी है, इनमें से कौन सी सही है, कौन सी इसमें फॉलो हो रही है। तो इसमें देखिए एफ छोटा है एम से, यहाँ चेक कीजिए, ये जो एफ है ये एफ एम से छोटा है, तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी, देखिए पहला तो ये बनेगा, ठीक, दूसरी कंडीशन ये बनेगी। अब दोनों ही कंडीशन में चेक कीजिए, क्या एफ एम से छोटा है, देखिए पहले वाले में एम सबसे बड़ा है, एम से छोटा फिर कौन है के से छोटा कौन है एफ, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है क्योंकि एफ छोटा है। दूसरे वाले में भी क्या एम एम से छोटा कौन है के किसके बराबर है एफ के, तो सीधी सी बात है एम से तो छोटा ही हुआ, तो पहली कंडीशन एकदम सही है। दूसरी एन बराबर है किसके के, देखिए एन के बराबर है। अब यहाँ पे एक देखिए दो कंडीशन इसकी बनेंगी, लेकिन दोनों देखिए किस तरह है, विपरीत है ना, दोनों सिंबल किस प्रकार हैं, विपरीत हैं एक दूसरे के, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है ये सेकेंड वाला गलत होता है। मैं आपको फिर भी इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, एन ग्रेटर देन एफ
लेस देन एन, ये के है ठीक है, के बड़ा है एफ से और एन बड़ा, एन भी किससे बड़ा है, एफ से ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है के बराबर है एफ बराबर है किसके, एन, एक कंडीशन ये बनेगी। देखिए एक में बराबर है एक में क्या है पता ही नहीं क्या कंडीशन है, तो फिर क्या हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा। तो 26वें का जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही आंसर होगा ठीक है। सेकंड है एच एट द रेट का हमारा क्या था देखते हैं, एट द रेट का है ग्रेटर देन इजिकल टू हैश का है बराबर है ना, हैश का बराबर ही है, नहीं नहीं हैश का बराबर नहीं है, हैश का है लेस देन, लेस देन टी। और डॉलर का देखिए क्या है, डॉलर का है ये रहा ग्रेटर देन के। तो यहाँ देखिए के और हैश का लेस देन एफ टी, डॉलर का अर्थ है एच है ना, टी ग्रेटर देन एच। अब इसको देखिए के एफ से छोटा है, ये जो के है क्या एफ से छोटा है, देखिए दो विपरीत सिंबल है, जैसे ही दो विपरीत सिंबल आए तुरंत काट दीजिए क्योंकि छोटा है ही नहीं, क्योंकि हम इस कंडीशन को फाइंड ही नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, जैसे टी है टी के से भी बड़ा है और एफ से भी बड़ा है, अब आपको क्या पता है भाई, ये तो आपको पता है कि टी इन दोनों से बड़ा है, लेकिन इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये आपको कैसे पता पड़ेगा, नहीं पता, नहीं पता चल सकता ना। टी बड़ा है एच से, टी जो अब सेकेंड वाली टी देखो, ये वाला टी एच से बड़ा है क्या, इसमें विपरीत सिंबल है, ये भी नहीं होगा, तो ना तो कथन एक ना दो, तो ऑप्शन नंबर इसका यदि ना तो कथन एक ना ही दो, फोर्थ इसका सही आंसर होगा ठीक है। तो 27वें का फोर्थ आंसर एकदम सही होगा। नेक्स्ट टेस्ट में एन हैश का क्या था, लेस देन वाई और कॉपीराइट सिंबल का था बराबर, वाई बराबर टी और एट द रेट का था कितना ग्रेटर देन इजिकल टू डी। तो डी प्रतिशत का हमें एक बार देखना होगा, प्रतिशत का है लेस देन इजिकल टू, लेस देन इजिकल टू वाई और टी का है टी एट द रेट, एट द रेट का क्या है ग्रेटर देन इजिकल टू एन ठीक। अब देखिए पहली कंडीशन को, डी बड़ा है और बराबर है वाई के, यहाँ देखिए डी बड़ा और बराबर है वाई के, दो कंडीशन वाई बराबर टी ग्रेटर देन डी, दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी वाई बराबर टी बराबर कितना डी, वाई छोटा और बराबर है ठीक है, वाई छोट सॉरी डी छोटा या बराबर है किसके वाई के, डी छोटा है वाई से और बराबर है। तो पहली कंडीशन में देखिए, पहली कंडीशन में क्या डी छोटा है वाई बराबर है टी के और टी से छोटा कौन है डी, तो पहली कंडीशन फॉलो कर रही है क्योंकि डी छोटा है, और दूसरी कंडीशन क्या बराबर है, बराबर भी है, तो पहली कंडीशन ये क्या हो जाएगी एकदम सही। दूसरा है टी बड़ा है और बराबर है एन के, टी जो है बड़ा या बराबर है एन के, यहाँ चेक कीजिए टी क्या है, टी एन से बड़ा है क्योंकि एन से बड़ा वाई है और वाई किसके बराबर है टी, जब ये दोनों बराबर हैं लेकिन एन से तो दोनों के दोनों बड़े ही हैं, तो टी बड़ा है लेकिन बराबर तो नहीं है, तो ये क्या होगा गलत। तो अब तो अब इस जो कोई ये जो क्वेश्चन है 27 28 ठीक है, इसी वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर वन इसका एकदम सही आंसर होगा, यही वाला ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका सही वन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वी एट द रेट इसका देखिए, एट द रेट का ग्रेटर देन इजिकल टू डी और डॉलर का है ग्रेटर देन आर और आर हैश का है लेस देन एफ, ओके एफ डॉलर का अर्थ है ग्रेटर देन डी आर लेस देन वी, एफ प्रतिशत का क्या अर्थ है यहाँ पर देखिए, प्रतिशत का है लेस देन इजिकल टू एच और हैश का है लेस देन के और कॉपीराइट सिंबल है वाई इज के इजिकल टू टी,
एफ हैश का है। तो वी बड़ा या बराबर है डी के, ठीक है, और यहाँ डी बड़ा है आर से और आर छोटा है किससे, एफ से। तो पहली कंडीशन एफ बड़ा है डी से, तो एफ जो है वो डी से बड़ा है। दो विपरीत सिंबल है इस तरह ना, इस तरह के सिंबल या इस तरह के आप कहीं भी दिख जाए तो इनकी कंडीशन फॉलो होती नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा गलत। तो आर छोटा है वी से, देखिए आर जो है वी से छोटा है, हाँ सर छोटा है क्योंकि इसमें दो कंडीशन बनेंगी, आपको पता होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। ठीक, तो दूसरा वाला इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें ये दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा इसमें। और नेक्स्ट है इसे और देख लीजिए, एफ डी बड़ा है एच से, देखिए डी जो है क्या ये एच से बड़ा है, हाँ देखो सही बात है बड़ा है, क्यों, क्योंकि एच से के बड़ा है और के बराबर डी के, दोनों ही के आए एच से बड़े हुए, सही है। एफ छोटा है वी से, एफ क्या ही कर रहा है, एफ कहना चाह रहा है एफ छोटा है, सॉरी के नहीं यहाँ के होगा, ठीक, एफ छोटा है के से, देखिए तो एफ के से छोटा है, हाँ सही बात है, क्योंकि एफ से बड़ा कौन है एच, एच से बड़ा कौन है के, तो के क्या है इसमें सबसे बड़ा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा इसमें देखते हैं, 5 वाला आंसर, ठीक है, इसका 5 वाला उत्तर सही होगा हमारा। अब एक क्वेश्चन और लास्ट इसमें बचा हुआ है, डब्लू कॉपीराइट सिंबल, तो कॉपीराइट का था इज इक्वल टू है ना बी, और बी प्रतिशत का अर्थ था यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू आर, और डॉलर का मीन्स था ग्रेटर देन जे, आर डॉलर का अर्थ है ग्रेटर देन डब्लू, आर एट द रेट का अर्थ है इज इक्वल टू डब्लू, ठीक है। देखिए आर बड़ा है डब्लू से, देखिए यहाँ पे आर क्या डब्लू से बड़ा है, सीधी बात है डब्लू और बी बराबर है, एक कंडीशन में तीनों बराबर हैं क्योंकि इसकी दो कंडीशन बनेंगी ना, डब्लू बराबर बी बराबर आर, एक बनेगी डब्लू बराबर बी और ग्रेटर देन आर, ठीक, तो एक में बराबर है एक में क्या है बड़ा, तो अब आपको क्या लगता है इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, तो एक में गलत है एक में सही है, अभी दूसरा और चेक कर लेते हैं, एक में आर बराबर है डब्लू के, यहाँ आर डब्लू के, देखिए अब इसमें एक कंडीशन ये है, या तो एक होगा या फिर दो होगा, है ना, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा, यदि या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य है, ठीक है, दोनों में से कोई एक सत्य है, ये या तो वाली कंडीशन होती है, ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होएगा, जैसे इस तरह कंडीशन आ जाए तो देखिए पहले में एक फॉलो हो रही है, ठीक है, इसमें फॉलो हुई ये वाली और दूसरे में फॉलो हुई ये वाली, तो कह देंगे या तो एक या तो एक या फिर दो, दोनों में से कोई ना कोई तो सत्य हो गई होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, इसका भी फिगर बना लेते हैं हम, तो ये है पी, एक मिनट, 1 2 3 5 इसके 5 रो बनाते हैं इसमें, तो पी कॉपीराइट क्यू पी, और इसके सेकंड वाले में है, पहले में तो ये है पी कॉपीराइट सी, सेकंड वाले में है पी स्टार, ठीक है, ये स्टार वाला सिंबल है पी स्टार क्यू, और थर्ड वाले में है इसमें एट द रेट है, ये पी एट द रेट क्यू इस तरह,
पी एट द रेट क्यू, तीसरे बारे में डॉलर है और चौथे में स्टार है। तो अब यहाँ पे देखिए से पहला दूसरे में पी स्टार क्यू, इसका अर्थ दे रखा है इसने यहाँ पे पी, पहले में है पहले से, चलो सबका लिख ही लेते हैं, पी एट द रेट क्यू, पी डॉलर क्यू, पी प्रतिशत क्यू। पहला है पी क्यू से छोटा नहीं है, अब ये कहना चाह रहा है पी क्यू से क्या है छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, दो कंडीशन बची हैं, कौन कौन सी, पी क्यू से बड़ा होगा या फिर क्या होगा बराबर। दूसरा पी क्यू से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, पी क्यू से छोटा होगा या फिर क्या होगा बराबर। पी क्यू से ना तो बड़ा है ना छोटा, ना बड़ा है ना छोटा, तो क्या होगा पी क्यू के बराबर। पी क्यू से ना तो छोटा है ना बराबर, तो ये कहना चाह रहा है पी क्यू से ना तो छोटा है और ना बराबर, तो पी क्यू से क्या होगा बड़ा होगा। लास्ट है पी क्यू से ना तो बड़ा है ना बराबर, तो पी क्यू से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब आपको बार बार इसमें क्या समझाऊँ, आप जल्दी जल्दी से कीजिएगा, जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी है। अब जैसे के है, ठीक है, के इसमें है के बड़ा या बराबर है क्यू के। नेक्स्ट है एल प्रतिशत, तो पी छोटा है किससे, क्यू से, तो यहाँ पर हो जाएगा एल, सॉरी यहाँ पे के एल हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ, सॉरी के एल ओ एम एन। अब प्रतिशत का अर्थ देखते हैं, प्रतिशत का क्या है लेस देन, और फिर एट द रेट और स्टार, एट द रेट का है बराबर और स्टार का है लेस देन, लेस देन इज इक्वल टू। अब इसमें एन एट द रेट का क्या था हमारा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ओ। सेकेंड वाले में एम डॉलर का क्या था, ग्रेटर देन एल। ठीक है, के स्टार एन, के एन कर देते हैं यहाँ पर एल एन। स्टार का क्या था, लेस देन इज इक्वल टू, और एट द रेट का हमारा दे रखा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब इसमें आप देखिए, पहली कंडीशन है एन बड़ा या बराबर है, ओके एन ये रहा, ओ ये रहा, एन बड़ा या बराबर है ओ से, तो दो कंडीशन इसमें बनेंगी, एन बराबर एम और एम छोटा है किससे, एन से, ये ओ है, ठीक है ओ, ये भी ओ बराबर एम इज इक्वल टू एन। तो दो कंडीशन है, एक में एन बड़ा है दूसरे में बराबर, तो देखिए क्यू बराबर एम के और एम से बड़ा कौन है एन, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, और एन ठीक, तो यहाँ अब देखिए दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा सही। अगला देखते हैं, एम बड़ा है एल से, तो देखिए ये एम जो है क्या एल से बड़ा है, चेक करते हैं, एल लेस देन ओ है ना, और ओ इज इक्वल टू एम, तो एम जो वो बड़ा है एल से, तो ओ और एम बराबर हैं, तो ओ क्या है एल से बड़ा है, तो एम भी क्या होगा एल से बड़ा होगा, ये ऑप्शन भी सही है। के छोटा या बराबर है एन के, तो देखिए चेक कीजिए, के यहाँ पर है एन यहाँ पर है, ठीक है, और बीच में देखिए विपरीत सिंबल है, गलत कर दीजिए सीधा, एल बड़ा या बराबर है एन के, एल बड़ा या बराबर है एन के, ये हमें एक बार चेक कर लेते हैं, ये एल को बड़ा बता रहा है, एल तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एल से बड़ा तो ओ है, ओ बराबर है एम के, एम से फिर बड़ा कौन है एन, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा होगा फर्स्ट और सेकंड सही है इसमें, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए स्टार का हमने क्या, ए बी सी डी ई, ठीक है, स्टार डॉलर और प्रतिशत एक साथ देखते हैं, स्टार डॉलर, स्टार डॉलर हो गया, प्रतिशत और लास्ट में बचा कॉपीराइट सिंबल, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसमें डी डॉलर का हमारा क्या होगा ग्रेटर देन बी, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन ई, प्रतिशत का क्या हो जाएगा लेस देन ए, एट द रेट का क्या हो जाएगा पी बराबर क्यू,
पी बराबर ई। अब इसमें देखिए, यहाँ से आप कंडीशन, ए छोटा या बराबर है बी के, पहले ये तो सब कंडीशन पूरी इसने हमें दे रखी है, इसने कथन दे दिया, अब हमने निष्कर्ष हमें निकालना है। तो निष्कर्ष में है डी बड़ा है ए से, तो देखिए यहाँ पर डी कहाँ है, यहाँ पर ए कहाँ है, यहाँ पर विपरीत सिंबल आगे पहले इसमें पहली कंडीशन में, ठीक है, और इसके बीच में भी, ये तो चलो एक से भी है भी, लेकिन बीच में दो विपरीत यहाँ भी आ चुके हैं ना, गलत कर दीजिए तुरंत। बी बड़ा है किससे, डी से, बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, विपरीत सिंबल आगे, गलत कर दीजिए। ई छोटा है सी से, ये कहना चाह रहा है ई छोटा है सी से, विपरीत सिंबल आगे, तुरंत गलत कर दीजिए। ए बराबर है ई के, ए बराबर है ई के, गलत कर दीजिए। 38वां, तो ये 38वें कब हमारा कौन सा होगा, चौथा वाला, कोई भी सत्य नहीं है। अगले पे चलिए, एफ पी आर एस टी, ठीक है। पहला है डॉलर, डॉलर का हमारा ग्रेटर देन, डॉलर का तो ग्रेटर देन है, एट द रेट का है इज इक्वल टू, और कॉपीराइट सिंबल का था हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, प्रतिशत का है लेस देन आर, प्रतिशत का है लेस देन एफ, एस स्टार का है लेस देन इज इक्वल टू पी, एट द रेट का है कॉपीराइट सिंबल का है ग्रेटर देन, और एस का एश प्रतिशत का इसमें मीन क्या दे रखा है, मैं प्रतिशत का मतलब है इसमें लेस देन, ठीक है। अब देखिए आर छोटा है एफ से, ये जो आर है एफ से छोटा है क्या, क्योंकि देखिए एफ बड़ा है पी से, पी और आर बराबर है, ठीक है, और एफ तो जब पी से बड़ा कौन है एफ, तो आर से ही बड़ा होगा क्योंकि दोनों के यहाँ बराबर, तो ये वाली कंडीशन एकदम सही है। एस छोटा या बराबर है पी के, एस जो है ये छोटा या बराबर है पी से, तो इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या होगा छोटा, और दूसरी में क्या होगा बराबर, दोनों ही क्या है सही है। देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को से डायरेक्ट कर दूँगा। पी बड़ा या बराबर है ठीक है, तो देखिए पी बड़ा या बराबर है ठीक है, विपरीत सिंबल आ गए इन दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पर गलत कर दीजिए तुरंत। एस छोटा है एफ से, एस छोटा है एफ से, हाँ सही बात है, ये तीसरा वाला इसमें क्या होगा सही होगा, सॉरी चौथा वाला, तो पहला दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही आंसर है। और जी प्रतिशत का अर्थ हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रतिशत का है लेस देन एच आई जे के, एच आई, आई का देखिए यहाँ पे क्या आई का नहीं, हमें स्टार डॉलर और एट द रेट, स्टार का क्या अर्थ है लेस देन इज इक्वल टू, डॉलर का क्या अर्थ है ग्रेटर देन, स्टार एट द रेट का हमारा क्या मीनिंग है इज इक्वल टू, तो जी प्रतिशत का लेस देन जी लेस देन जे के, और यहाँ पे डॉलर का, डॉलर का सिंबल है तो डॉलर का मीन हमारे इसमें ऊपर दे रखा है ना, मतलब पीछे हम करके आए सारे के सारे, आपको पता है जब यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, तो यहीं से उठा लेता हूँ उन सबको, के बड़ा है किससे आई से, एच स्टार करते हैं लेस देन जे, इसे और चेक करते हैं, तो देखिए जी छोटा है आई से, जी जो है वो आई से छोटा है, आई से छोटा कौन है एच, और एच से छोटा कौन है जी, सबसे छोटा कौन हो गया जी, तो जी जो है वो आई से भी, जब जी जो, जब आई जो जो एच है वो आई से छोटा है, ठीक है ना, तो जी भी क्या होगा आई से छोटा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों लेस देन इसी की तरफ आ रहे हैं। जी छोटा है जे से, जी जे से छोटा है नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए दो विपरीत सिंबल आ गए ना यहाँ पे, यहाँ पर दो विपरीत सिंबल आ गए, तुरंत गलत कर दीजिए। के बड़ा है आई से, तो यहाँ पे देखिए के बड़ा है आई से, हाँ नहीं, के छोटा है आई से, कि आई से छोटा कौन है जे, और जे किसके बराबर के, तो गलत हो गया, एच छोटा है जे से, एच जो है
क्या वो जैसे छोटा है दोनों के बीच में, क्या कैसे म लगे विपरीत वाले, इस तरह वाली कंडीशन आ जाए कहीं भी, तो तुरंत आप इसको गलत कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम अनुमान नहीं लगा सकते ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर दो तीन कंडीशन होती हैं एक साथ तो फिर कुछ देखा भी जाता है, लेकिन इनमें अनुमान लगता ही है नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर केवल 40वें का कौन सा सही होगा, पहला वाला इसका ऑप्शन नंबर एकदम सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। और अब मैं इसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगा रीजनिंग का।